हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ़िश फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनता है। आप इस स्नैक को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं छोटे फिशेज और ये तकरीबन एक पाव है। इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है, ये देखें। और ये मैंने लिया है चावल का आटा, ये नमक, अजवाइन और ये है फूड कलर। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन एक चम्मच, और इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और अच्छे से आटे के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी फूड कलर और इसको अच्छे से मिलाऊंगी आटे के साथ, और हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और अच्छे से हम आटे को गूंथ लेंगे इस पानी के साथ। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो फिशेस हमने साफ करके रखे हैं, हम इनमें डालेंगे। हमें ज़्यादा फिशेस इसमें एट अ टाइम नहीं डालने हैं, बस दो तीन का यूज़ करना है और उसके बाद हम डिप करके फ्राई करेंगे डायरेक्टली। बस ध्यान रहे तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और उसके बाद हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए हम इनको टर्न करेंगे। ये देखिए एक साइड से ये कुक हो गए हैं, अब हम इनको टर्न करेंगे और दूसरे साइड से भी इनको हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये स्नैक्स बहुत कुरकुरा होता है, तो इनको डीप फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ये टेस्टी लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है। फ्रेंड्स, इनको मज़ा है, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब जाके ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनता है। बचे हुए फिशेस को भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा, काफ़ी यम्मी लग रहा है। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कैसे बने हैं हमारे फिश फ्राइज। ये देखिए अंदर तक ये डीपली कुक हो चुका है। अब मैं चटनी के साथ इसको खाऊंगी। बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।